अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस, फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं ए और बी, प्राइस चेंज होती है गुड ए की लेकिन डिमांड अफेक्ट हो जाती है गुड बी की, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर बटर की प्राइस राइज करती है तो उसकी वजह से जो डिमांड फॉर मार्ग्रेन है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। ये इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से सीएनजी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसे पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहेंगे। प्राइस बढ़ी थी पेट्रोल की लेकिन डिमांड बढ़ गई सीएनजी की, तो प्राइस किसी और चीज़ की चेंज होती है उसकी वजह से डिमांड किसी और चीज़ की इफेक्ट हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।